मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। इंडियन डॉक्टर हूँ और मैम हम यहाँ पे अपनी इक्वेलिटी के लिए आए हैं। हमारी स्टाइफन जो है वो बाकी के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनसे बहुत कम है मैम। हमारे कॉलेज में मैम लेबर से भी कम हमें पे कर रहे हैं मैम। दैट इज ओनली 15,120 मैम। दिल्ली में जितने भी अस्पताल है सब में 26,300 मिल रहा है, लेकिन हमारे अस्पताल में सिर्फ हमारा एक अनोखा अस्पताल है जहाँ पे 15,120 रुपये मिल रहा है। इंटर्न्स को रहने की जगह नहीं दी जाती है, फाइनल ईयर के एग्जाम्स के बाद उन्हें निकाल दिया जाता है। तो ये क्यों हो रहा है, ये सरकार से सवाल है हमारा। आप लोग हॉस्टल्स में नहीं रहते हैं? हमें निकाल दिया गया है हॉस्टल से। यहाँ हम आते हैं, यहाँ कहते हैं कि सर तो आ जाए नहीं, यहाँ पे OSD सर आ जाए नहीं यहाँ पे। वहाँ से हमें वो लोग कह के भेजते कि आप हमारा नंबर ले लो, अब वो फ़ोन हमारा नहीं उठा रहे हैं। इस तरह से हमारे साथ किया रहा है कि हम 15 दिन से 24/7 की स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। अगर आप इसे कह रहे हो कि ये गलत है, आप भारतीय राजपत्र को मानने से मना कर रहे हो, तो ये तो एक फॉल्स प्रैक्टिस होगी कि आप कह रहे हो कि हम नहीं मान रहे हैं। हमारी जो गवर्निंग काउंसिल है ना मैम, आपको मैं बताता हूँ, उसके चेयरमैन है हेल्थ मिनिस्टर, इस टाइम पे इंचार्ज हेल्थ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया सर है, तो उनके एक साइन से हमारा हो सकता है, तो क्यों नहीं कर रहे थी? मैं मीडिया देख रही थी, तो मुद्दा ही कहीं पे भी नहीं। मैं मीडिया देख रही थी, रणबीर कपूर ने कपड़े पहने हैं कि नहीं पहने, हम नहीं देख रहे। मैम नहीं देख रहे थे, आपकी गलती है। मीडिया मैम, अरे कोई सी भी सही, मैं बोल रहा हूँ मीडिया देख रही थी शराब के ठेकों पे, शराब अच्छी मिल रही है या बुरी मिल रही है, 50 की मिल रही है, 55 की मिल रही है, पौवा मिल रहा है, क्वार्टर मिल रहा है, किसी को फर्क नहीं था कि पिछले 15 दिन से डॉक्टर्स बैठे थे वहां पे स्ट्राइक पे, आप गए नहीं गए। अगर आपको खबर नहीं है तो आप अपना थोड़ा एक्सप्लोर करो अपने आप को कि ट्विटर पे पिछले 15 दिनों से एक हैशटैग चल रहा है, वन स्टेट वन स्टाइपेंड। 70 डॉक्टर नहीं कर सकते। दूसरी चीज, अगर आप डॉक्टर से उम्मीद करते हो वो जाकर के पहले एक लिस्ट बनाए, फिर सभी से जाकर के पूछे, उसके बाद में एक नोटिस डाले, उसके बाद मैम क्या क्या कर लें, LLB भी मैं कर लूं, उसके बाद में आपका जर्नलिज्म भी मैं कर लूं, आप क्या करोगे? नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली सचिवालय, दिल्ली सचिवालय पे यहाँ पर लगातार जो डॉक्टर्स स्टूडेंट्स हैं वो लगातार यहाँ पर अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं और लगातार जो है CM केजरीवाल जी से इनकी गुहार है कि हमें जिस तरीके से ये सैलरीज दी जा रही है ये बहुत कम दी जा रही है। दिल्ली के अंडर जो भी हॉस्पिटल्स आते हैं उसके तहत इनको जो है सैलरीज कम दी जा रही है। अभी इन्हीं लोगों से जानते हैं क्या कुछ इनकी प्रॉब्लम्स हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या कुछ है मैम। मैं डॉक्टर विशाखा शर्मा, चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चिकित्सक संस्थान से की इंटर्न डॉक्टर हूँ। और मैम हम यहाँ पे अपनी इक्वेलिटी के लिए आए हैं। हमारी स्टाइफन जो है वो बाकी के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनसे बहुत कम है मैम। हमें सिर्फ 15,120 स्टाइफन मिलती है और मैम बाकी के कॉलेजेस में मैम वो रिवाइज होके मैम इंक्रीज़ हो गई है, जो कि अभी अभी प्रेजेंट में 26,300 मिल रही है। तो मैम ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है हमारे साथ? और मैम हम यहाँ से तभी उठेंगे मैम जब हमें रिटर्न में ये चीज़ मिल जाएगी, एश्योरेंस मिल जाएगी कि हमारे जो है वो बाकी के जितने भी कॉलेजेस हैं मैम उनके इक्वल हो जाए। तो आपका ये जो हॉस्पिटल है किसके अंडर आता है मैम? जो हमारा हॉस्पिटल है मैम वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो आपको मतलब और जितने हॉस्पिटल्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपको कम सैलरीज दी जा रही है? हाँ जी मैम, जितने बाकी के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं मैम वहाँ पे 26,300 नहीं तो 23,500 स्टाइफन मिलता है। और मैम हमारे कॉलेज में मैम लेबर से भी कम हमें पे कर रहे हैं मैम। दैट इज़ ओनली 15,120 मैम। मैम आप समझ रहे हैं कि ये तो वेज भी नहीं है मैम। वेज भी आजकल मैम 800 तो मिलता है मिनिमम मैम, वो उससे भी कम हमें मिल रहा है मैम। 504 रुपये, सिर्फ 504 रुपये मैम। ये डॉक्टर की हालत है मैम। और ये जो गवर्नमेंट है मैम, दिल्ली सरकार है, ये बोलती है कि इनका जो मेन फोकस है वो स्वास्थ्य पे और शिक्षा पे। मैम स्वास्थ्य का हाल आप देख रहे हैं मैम, डॉक्टर्स यहाँ पे बैठे हैं मैम, ये तो स्वास्थ्य का हाल है। अभी आप सभी एक ही हॉस्पिटल से हैं? जी बिल्कुल मैम, हम सब एक ही हॉस्पिटल। तो अभी वहाँ पर कौन लोग मौजूद हैं जो अगर पेशेंट्स आ रहे होंगे? मैम वहाँ पर भी हमारे 100 लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे भी हमारा जो अनशन है वो जारी है। और यहाँ पर हम 150-200 करीब लोग आए हैं यहाँ पर अनशन करने के लिए। तो आप सभी इंटर्न हैं? हाँ जी सर, कुछ जूनियर्स हैं हमारे और हम बाकी सारे इंटर्न्स हैं। मतलब क्या नाम है आपका? डॉक्टर हीना कश्यप। हीना जी ये बताइए कि मतलब अभी आपका वहाँ वर्क क्या है? अभी आप तो सीखने के उसमें है ना?
हाँ हमारी इंटर्नशिप चल रही है, तो दिल्ली में जितने भी कॉलेज है सब में इंटर्नशिप चल ही रही है, उनमें 15,000 से नहीं उनको 26,300 मिलता है, लेकिन हमारा 5 साल से 6 साल से बड़ा ही नहीं है, हमें 15,120 ही मिलता है। क्या और जो हॉस्पिटल से वहाँ बड़ा हुआ है? हाँ वहाँ पर बड़ा हुआ है, वहाँ 26,300 है, 26,000 मिल रहा है हाँ, और हमें 15,120। तो ये आपका हॉस्पिटल किस जोन में आता है? हमारा दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर ही आता है, नजफगढ़ दिल्ली, न्यू दिल्ली, नजफगढ़। हाँ जी, तो वहाँ पर आप लोग यानी सारे इंटर्न्स हैं, तो अभी और भी लोगों से जानते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर शिवम त्यागी है। तो शिवम ये बताइए कि आप लोग इंटर्न्स हैं, तो इंटर्न्स का तो अभी मतलब यही सारा रहता है, इतना ही रहता है, इतना देता ही है, बल्कि कई बार इंटर्न्स को मिलता भी नहीं है शायद। मैं एक्चुअली प्राइवेट कॉलेज में नहीं मिलता, मैं गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट सब कॉलेजेस में स्टाइपेंड मिलता है, प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं मिलता, ठीक है। और ये स्टाइपेंड हमारा हक है, ऐसा नहीं कि हम मांग रहे कि हमें चाहिए। बाकी आप किसी भी दिल्ली के कोई भी सरकारी अस्पताल में जाओगे, वहाँ पता करोगे, वहाँ पर 26,300 स्टाइपेंड मिल रहा है, और सबको इंटर्नशिप में सीखने के साथ ही मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं कि मैं कुछ नई चीज़ मांग रहा हूँ या मैं कुछ मांगूँ कि ताजमहल आप मेरा कर दो, जो मेरा है मुझे वो चाहिए, मुझे ताजमहल नहीं चाहिए, ये है कौन सा। तो मतलब आप ही का एक जो हॉस्पिटल है वो उसी में इतना मिल रहा है? यस, हमारे पूरी दिल्ली सरकार में या फिर सेंट्रल में जो भी दिल्ली के हॉस्पिटल्स हैं, दिल्ली में जितने भी अस्पताल है सब में 26,300 मिल रहा है, लेकिन हमारे अस्पताल में सिर्फ हमारा एक अनोखा अस्पताल है जहाँ पे 15,120 रुपए मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वहाँ पे आपने जो मेन जो होते हैं उनसे बात की? हमारी जो डायरेक्टर है हमने उनसे बात की, हम उनसे पिछले हमारा जो ये चल रहा है ना प्रोटेस्ट, आप मानो कि 4 साल से तो प्रोटेस्ट चल रहा है, उससे पिछले 2 साल और 6 साल से बात चल रही है, हर 6 साल से आप लोग बात कर ही रहे हैं। 2016 में सबका 15,000 हुआ था, उसके बाद बढ़ बढ़ के रिवाइज हो के सबका आज 26,000 हो गया है। हमारा 2016 में 15,000 हुआ था, और उसके बाद आज 2022 है, 6 साल हो चुके हैं, हमारा एक भी बार रिवाइज नहीं हुआ, इतना चला। और प्रशासन की तरफ से हमें सिर्फ आश्वासन मिलता है कि आपका बढ़ा दिया जाएगा, बढ़ा दिया। प्रेजेंट में आपको कितना मिलता है? हमें 15,120 रुपीज मिलते हैं मैम, 15,000, बाकी सबको 26,300 मिलते हैं बाकी सभी को। अभी और भी यहाँ पर डॉक्टर से सोची, डॉक्टर्स की स्थिति क्या है यहाँ पर? लोग डॉक्टर्स जो भगवान का रूप होते हैं वो यहाँ पर आकर रोडों पर बैठे हुए हैं, सोचिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर रागिनी शर्मा है, मैं इंटर्न डॉक्टर हूँ चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान में। तो मैम जैसा कि आप देख ही रहे हो कि यहाँ पे स्वास्थ्य का क्या हाल चल रहा है, और शिक्षा का हाल भी बता दूँ मैं आपको कि हमारे महाविद्यालय प्रशासन में स्टाइपेंड बढ़ाने के लिए 4 साल से कोई मीटिंग नहीं हुई है, लेकिन हमारी 4 साल से फीस लगातार बढ़ा दी जा रही है। ये पता नहीं कौन है जो फीस बढ़ाने के काम इतनी जल्दबाजी में कर रहे हैं, और स्टाइपेंड बढ़ाने के काम के लिए मीटिंग ही नहीं हो पा रही है। इसकी मीटिंग नहीं हो रही है मगर फीस जो है बढ़ती जा रही है। रही बात बाकी जितने भी दिल्ली सरकार के अस्पताल है उसमें इंटर्न्स डॉक्टर को रहने के लिए हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन हमारे एक अनोखा अस्पताल है, जैसा कि आप देख ही रहे हो कि हमारे अनोखे अस्पताल में 15,120 रुपए दिए जा रहे हैं, इंटर्न्स को रहने की जगह नहीं दी जाती है, फाइनल ईयर के एग्जाम्स के बाद उन्हें निकाल दिया जाता है। तो ये क्यों हो रहा है, ये सरकार से सवाल है हमारा। आप लोग हॉस्टल्स में नहीं रहते हैं? हमें निकाल दिया गया है हॉस्टल से, नहीं प्रोवाइड किए जा रहे हैं जितने भी दिल्ली के इंटर्न के लिए हॉस्टल्स ही नहीं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, इनफैक्ट प्राइवेट में भी इंटर्न्स को हॉस्टल मिलता है। हमारे कॉलेज एक ऐसा जहाँ कहता है हमारे पास जगह नहीं है, उनके पास खाली कमरे पड़े हुए हैं, जर्जर हालत में उनके हॉस्टल्स हैं, उनका काम करवाने के पास पैसे नहीं है। हम फाइनल ईयर में थे एग्ज़ाम से 2 महीने पहले, एकदम से हमारी जो हॉस्टल फीस है वो 2400 से 18,000 कर दी जाती है, और जब बच्चे ये कहने जाते हैं कि मैम कोविड टाइम है एकदम से इतने पैसे कैसे बढ़ सकते हैं, तो हमें ये रिप्लाई आता है कि फीस भरो या हॉस्टल खाली करो। मैम 2400 से 18,000 कितना ज़्यादा हाई क्या आप ये खुद देखिए, उसके लिए एक दिन में नोटिस आता है। लेकिन जो बच्चों का राइट है, राइट टू इक्वलिटी, कि बच्चों को बराबर पे मिला जाए, उसके लिए 6 साल से इनकी फाइल नहीं चल रही है। आप अभी लोग कह रहे हैं कि आपकी सीखने की उम्र इसमें कम मिले, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। मैम आज अगर मेरी इमरजेंसी में रात को 2 जनों की हम में से ड्यूटी लगती है ना, वहाँ पेशेंट आता है, उसकी जान की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, ये सब वहाँ पे हम जिम्मेदार हैं। और जब हम ये पूछने आते हैं हमारा स्टाइपेंड क्यों नहीं बढ़ रहा, तो उसके लिए हमें कहा जाता है ये तुम्हें बताने की हमें जरूरत नहीं है, तुम अभी बच्चे हो। मेरा एक सवाल है, हमको बच्चा बता दिया जाता है। हम डॉक्टर्स हैं ऑफिशियली, हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, हम कोई बच्चे नहीं हैं, डॉक्टर्स हैं, हम ड्यूटी कर रहे हैं प्रॉपर ड्यूटी, और 8 से 4 पूरी प्रॉपर ड्यूटी टाइमिंग्स है हमारी, जो 3 बजे से बढ़ा के 4 बजे कर दी हॉस्पिटल ने, लेकिन सब चीज़ें हो रही है उनकी। लेकिन जब बात आती है हमारा पे स्केल बराबर करने की, बढ़ाने की, तो मैं कह रहा सबके बराबर रखने की, तो हमें कहा जा रहा है कि जो मिल रहा है बहुत मिल रहा है, ये भी नहीं दिया जाएगा, ये भी नहीं दिया जाएगा, इस तरीके की धमकियां दी जा रही है जी, हमें इस तरह से बोला जा रहा है। हम यहाँ पर आते हैं, हम डिप्टी CM सर के घर 2 बार 3 बार हो चुके हैं आज हमें वहाँ से ये कह के भेजा जा रहा है
कि ऑफिस जाइए, ऑफिस में काम होगा, सेक्रेटेरिएट पहुँचे, यहाँ पे आप और अदर रेजिडेंसीज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के घर हैं, ये है वो है, आप यहाँ नहीं बैठ सकते। यहाँ हम आते हैं, यहाँ कहते हैं कि सर तो आ जाए नहीं, यहाँ पे ओएसडी सर आ जाए नहीं, यहाँ पे वहाँ से हमें वो लोग कह के भेजते कि आप हमारा नंबर ले लो, अब वो फ़ोन हमारा नहीं उठा रहे हैं। इस तरह से हमारे साथ किया रहा है कि हम 15 दिन से 24/7 की स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं लगातार। अभी हमें कॉलेज हमारी एक मतलब एक होता है ना सुनना, एक होता है पूछना आना कि बच्चों क्या दिक्कत है, बात करो, एक बंदा हमसे बात करने नहीं आया कहीं से भी कोई। तो अभी यहाँ पर आपने कोई पत्र वगैरह दिया है? पे हमने पत्र दिया सचिवालय में, हमें ये कहा गया पत्र में कि आज सर है ही नहीं, यहाँ पर काम नहीं हो सकता। फिर हम में से एक जने को यहाँ पे अभी अंदर बुलाया है बात करने के लिए, अभी वो अंदर तब तक हम यहाँ बैठे हैं, और हमें धमकी दी गई है उसके बाहर आते ही 5 मिनट के अंदर सब यहाँ से चले जाए, वरना 6 मिनट पुलिस की गाड़ी हमें उठा के ले जाएगी। किसने धमकी दी आपको? यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी स्टाफ जो भी था, अब नाम तो मुझे पता नहीं है, मतलब गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। अब इस तरीके से यहाँ पे हमें बोला जा रहा है, हम डॉक्टर्स यहाँ रोड पे बैठे हैं, डॉक्टर्स यहाँ धूप में बैठे हैं, जब अभी एक और कोई ना आए कोई महामारी, मैं तो ये मनाऊंगा भगवान से, पर आती है तो फिर हमसे कहा जाएगा कि आपकी जिम्मेदारी, आपकी ड्यूटीज, हमें ड्यूटीज याद दिलाई जाएंगी। लेकिन जब हमारे राइट की बात आ रही है तो हमें कहा जा रहा है फाइल चल रही है। हम इस तरह से ड्यूटीज कर रहे हैं तो ये अपनी ड्यूटीज क्यों नहीं कर रहे हैं? जब बात वोट मांगने की होती है तब तो इनकी प्रस्तुति पूरी दिख जाती है, अब कहाँ इनकी प्रस्तुति? इतनी देर से हम यहाँ बैठे, कोई पूछने क्यों नहीं आ रहा हमें बाहर? 15 दिन से हम 24 घंटे की स्ट्राइक पे बैठे, क्या इन्हें खबर नहीं है इस बात की? इनका ये अस्पताल है, दिल्ली सरकार का ये अस्पताल है, तो दिल्ली सरकार सो रही है। सबको मेल भेजे गए हैं, ऑफिशियली सबको इन्फॉर्म किया गया है, टैग रोज हो रहे हैं ये लोग हर सोशल मीडिया साइट पर कोई रिस्पॉन्स कहीं से, ऐसा अनदेखा कर दे रहे हैं कि 150 बच्चे ही तो हैं, ऐसे स्ट्राइक पर क्या सोच के बैठे हो हमारे लिए कि हम इस टाइम उनके लिए कम संख्या दिख रही है अभी हमारे कुछ बच्चे, क्योंकि हमारी जो मेन जो स्ट्राइक का जो एरिया है हमारा कॉलेज हॉस्पिटल है, तो हम वहाँ पे हमारे 50-60 बच्चे बैठे हुए, बाकी यहाँ पर आए थे आज। अच्छा, आप डॉक्टर्स लोग हैं, आप हॉस्पिटल छोड़ के यहाँ पर बैठे हुए, वहाँ पेशेंट्स को कौन देख रहा है? पेशेंट्स को जो परमानेंट स्टाफ है वो थोड़े बहुत देख रहे हैं, उसे दिक्कतें हो रही हैं, पर मैम हम भी तो क्या करें, हमारे हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ भी तो नहीं है, वहाँ पे दवाइयाँ भी मौजूद नहीं। आप वहाँ जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने कई बार कई लोगों से बात करने की कोशिश करी तो कहते हैं तुम्हारा अस्पताल बहुत दूर है, एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है हमारा, आयुर्वेदिक अस्पताल है हमारा, 100 एकड़ में लगभग फैला हुआ है, 100 एकड़ में, 100 एकड़ में फैला हुआ है, लेकिन वो एक कोने में बस पड़ के सड़ रहा है, कोई उसको देखने भी नहीं आ रहा है। हम उन हर चीज़ के लिए बैठे हैं, पहली मांग तो हमारी स्टाइपेंड है, पर हम उस हर चीज़ के लिए बैठे हैं कि वो हर चीज़ कंसिडरेशन में क्यों नहीं ली जा रही। उसके डायरेक्टर का नाम क्या है, डायरेक्टर कौन है? हमारी डायरेक्टर प्रिंसिपल है डॉक्टर विदुला गुजरवार मैम। तो उनका क्या कुछ कहना है? उनका कहना ये है, वो मतलब जो भी कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमें ये कहता है कि हम अपना काम हर साल पूरा करते हैं, आगे जो सरकार है वो तुम्हारी फाइल रोक देती है, तुम्हारी GC फाइल रोक देती है, हेल्थ मिनिस्ट्री तुम्हारी फाइल रोक देती है, इस तरीके से बोला। डायरेक्टर मैम की सैलरी में कोई रुकावट नहीं हो रही, उन्हें रहने के लिए जगह भी दी जा रही है, उनके लिए कोई GC मीटिंग नहीं है, बस हमारे लिए GC कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो पा रही है, या GC नहीं कर रही है, सरकार नहीं कर रही है, या डायरेक्टर नहीं कर रही है, ये सवालों के जवाब के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो आपको जवाब मिलेगा यहाँ पे रोडों पे बैठने से? आप बताओ कहाँ जाके बैठे फिर हम, सरकार बताएगी हमें कहाँ जाके बैठे, हम घर के सामने उनके बैठ नहीं सकते, कॉलेज में हम बैठे हुए हैं, यही है हमारे पास एक आखिरी रास्ता, इसके अलावा कोई जगह नहीं कि हम जाके आके बैठे। तो देखिए किस तरीके से इनके हालात हैं, डॉक्टर है, पेशेंट्स को बचाने का इनका काम है, दवाइयों की सुविधा मौजूद नहीं है, लेकिन सोचिए मीटिंग्स नहीं होती है, सुविधा के नाम पर 0 और इनसे फीस ऐठ ही जा रही है, और लगातार ये लोग जो है आप देख सकते हैं इनकी तादाद अभी इतनी है, और बाकी जो लोग हैं वो अभी मौजूद है वहीं पर हॉस्पिटल्स में, अभी और भी लोग हैं यहाँ पर जो जिनसे जानते हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका गौर है। आप भी इंटर्न हैं? हाँ जी। अच्छा, तो मतलब क्या कुछ समस्या आ रही है आप लोगों को लेके, क्यों नहीं आप लोगों को मांगे सुनी जा रही है, और हॉस्पिटल्स में तो मिल रहा है ये इंटर्न्स को? मैम हमने पहले रिक्वेस्ट की थी, मैम को एप्लीकेशन दी, लेटर दिया कि हमारी कितनी है स्टाइपेंड हमें बताई जाए, पहले उसका रिप्लाई नहीं आया, उसके रिप्लाई के लिए हमने फिर दी, उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आया, फिर लास्ट में हमें और कोई ऑप्शन नहीं दिखा, हमें बैठना ही पड़ा स्ट्राइक पे। डॉक्टर्स यहाँ रोडों पे आ गए हैं, आप और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, हमने सब कुछ करके देख लिया पर कुछ हो ही नहीं रहा। मगर सरकार को लाने वाले भी आप ही लोग होते हैं? हाँ जी, सबसे आगे होता है आप लोगों का नंबर युवाओं का, तो अब ये मिल रहा है? हाँ जी, हमें ये मिल रहा है। चलिए और भी है यहाँ पर, और भी लोगों से जानते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर सागर सिंह देशवाल है, मैं भी इंटर्न डॉक्टर हूँ,
आज हमारा मतलब वहाँ पे 15 दिन हो चुके हैं, ये हमारा 16 डे हम यहाँ पे आए हैं और हम सुबह से यहाँ बैठे हैं। बस हमें 15 दिन से कहाँ बैठे थे? 15 दिन से हम अपने हॉस्पिटल के सामने बैठे हैं, हमें सब देख रहे हैं, हमारे टीचर्स देख रहे हैं, हमारे जो प्रोफेसर मैम हैं, हमारे जो डायरेक्टर मैम हैं, उन्हें भी पता है हम बैठे हैं। इग्नोर मार रहे हैं कि बैठे रहने दो, इन्हें क्या नहीं मिल रहा है, ये पूछा जा रहा है कि इन्हें क्या कमी है, क्या नहीं मिल रहा है। मैडम हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं, हमें 504 रुपये दिया जा रहा है, अनस्किल्ड एक लेबर की 800 रुपये है, हम इंटर्न्स हैं तो हमारे 504 रुपये, 504 रुपये एक दिन के बैठते हैं, 15,120 पूरे एक महीने के बैठते हैं। हमें पिछले 6 साल से घुमाया जा रहा है और फिर हमें कहा जाता है कि आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। मैम कैसे हो, कोई चीज़ अगर 6 साल से नहीं हो रही है, वो कहते हैं कि हम सेक्रेटरीट भेजते हैं, सेक्रेटरीट से फाइल वापस आ जाती, जब वो कोई कमी निकाल रहे हैं तो आप उसे पूरी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमें हॉस्टल नहीं दिए जाते, क्यों? हॉस्टल की दिक्कत है, आवाज़ उठाओ तो तुम ये क्यों कर रहे हो, निकल जाओ हॉस्टल से। हमें इवन ये तक कहा गया, जब भी हम कहते हैं तुम्हें हॉस्टल से निकाल देंगे, वो वाला फ्लोर खाली कर दो अगर वहाँ पे प्लास्टर गिर गया है तो, अगर वहाँ का टॉयलेट टूट गया तो उधर जाना बंद कर दो, है ना, ये सब बोला जाता है हमें वहाँ पे। वहाँ दवाइयाँ नहीं, अगर हमने 2-4 बार बोला कि मैम दवाई नहीं है तो तुम क्यों वो कर रहे हो, तुम यहाँ पॉलिटिक्स खेलना चाहते हो, हमें इस तरीके की बातें बोली जाती है हमारे कॉलेज की तरफ से। तो अच्छा, लगभग आपका वर्क क्या रहता है, क्या कुछ रहता है आपके? मैम इंटर्न डॉक्टर हैं हम, मतलब कि एक तरीके से जो मेन डॉक्टर होते हैं उनके असिस्टेंट होते हैं, हम उनसे सीखते हैं सब कुछ, है ना। तो एक ये वाली चीज़ है कि हम उनके हेल्पिंग हैंड है, जैसे कोई पेशेंट आएगा तो उनकी हिस्ट्री हम फिल करेंगे, उन्हें जो भी ट्रीटमेंट होगा वो प्राइमरी ट्रीटमेंट हम देंगे, वो सिर्फ हमें ऑर्डर करते हैं। तो अगर ट्रीटमेंट ही हम कर रहे हैं और हम यहाँ बैठे हैं तो वहाँ पे अब सब तो एक ही बंदे पे आ रहे हैं, तो वो वर्कलोड है हॉस्पिटल के ऊपर, मगर कहा जा रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कहीं बैठे रहो, तो उनका तो ये कहना है। हमारा तो आपको सिखा रहे हैं, ऊपर से आप लोग जो है पैसे की मांग कर रहे हैं। मैम सिखा हर जगह रहे हैं ना, सिखाएगा कोई डॉक्टर आपको? मैम सिखाने के हमने फीस दी है ना, मैम 4 साल हमने फीस दी है, हमने एक आप जाके आप सीखो, आपको कोई सिखाएगा ऐसे? मैंने 4 साल हुआ 1,00,000 रुपए फीस भरी है तब वो मुझे सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं था कि मैं कहीं गली से उठ के गया था कि भाई मेरे को सिखा दो या कोई एहसान कर रहे हैं, ये मेरे करिकुलम का पार्ट है। 5.5 साल का कोर्स है, 4.5 साल पढ़ाई है जिसमें 1 साल हमारे करिकुलम में सिखाना होता है उनको, ये करिकुलम का पार्ट है। ऐसा कुछ नहीं कि हमारे कॉलेज में ही कुछ हम एहसान हो रहा है सिखा के, हर जगह हो रहा है, ऑल ओवर इंडिया आपको करनी करनी है, उसमें होता है मैंडेटरी है मैम, ये 5.5 साल के करिकुलम में इंक्लूडेड होता है ये 1 साल का इंटर्नशिप, ये मैंडेटरी है। ऐसा कुछ नहीं कि कोई किसी पे एहसान कर रहा है कि वो हमें सिखा रहा है तो कुछ बहुत बड़ी चीज है, नहीं, जब मैंडेटरी है मैंने उसको 4 साल तो यही मानना होगा ना कि मतलब सिखा भी रहे हैं ऊपर से पैसे की मांग कर रहे हैं। जब वो भी तो डॉक्टर हैं, वो भी तो अपने टाइम पे इंटर्नशिप करके आए होंगे, पैसे तो उन्होंने भी लिए होंगे, ऐसा तो नहीं है कि वो डॉक्टर नहीं थे, वो कहीं से ऐसे उठ के आ गए थे, ये तो करिकुलम है सबके लिए सेम है, आज से 20 साल पहले वो बने होंगे उन्होंने भी यही किया होगा, मैं कर रहा हूँ मैं भी, 20 साल बाद भी यही होता रहेगा, ये प्रोसेस ही है। नहीं मान रहे तो आप क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, हम बैठे, हम जब तक ड्यूटीज ज्वाइन नहीं करेंगे अपनी, जब तक हमारे पैसे नहीं बढ़ेंगे, भविष्य बर्बाद नहीं होगा आप लोगों का फिर? भविष्य क्या, 1 महीने में भविष्य बर्बाद हो रहा है, आप मुझे ये बताओ, अगर हम यहाँ 1 महीने से बैठे हैं तो भविष्य, और अभी जो अभी 1 साल हमारा बर्बाद हो रहा है इस सब चीजों में, फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं बच्चों को अगर वो देखा जाए तो, 1 साल हमें भारत, अब हम ये नहीं कह रहे कि हमें दिया जाए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये गजट ऑफ इंडिया है, ठीक है ना, इसमें लिखा हुआ है ये चीज़ तो, कि इंटर्न्स को सभी के बराबर पैसा दिया जाना चाहिए। ड्यूरिंग इंटर्नशिप टू द इंटर्न बिलोंगिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी इंस्टीट्यूशन, द स्टाइपेंड शैल बी पेड एट पार विद अदर मेडिकल सिस्टम। पेड यूज हो रहा है मैम, हमें पे किया जाना चाहिए, ये हमारा भारत का राजपत्र कह रहा है, इसे कोई नहीं झुटला सकता। पेड कर तो रहे हैं मैम, कहाँ एट पार भी तो लिखा है ना मैम, तो एट पार तो नहीं कर रहे हैं ना। अगर आप इसे कह रहे हो कि ये गलत है, आप भारतीय राजपत्र को मानने से बना कर रहे हो, तो ये तो एक फॉल्स प्रैक्टिस होगी कि आप कह रहे हो कि हम नहीं मान रहे हैं, आप सरकार से ऊपर हो गए, आप भारतीय राजपत्र से ऊपर हो गए, राष्ट्रपति के साइन से बनते हैं मैम भारतीय राजपत्र, आप उससे ऊपर हो गए, द फर्स्ट लेडी जो अब हमारी है, आप बन गई है द्रौपदी मुर्मू जी, आ गई फर्स्ट लेडी से ऊपर हो गए आप, कि हम नहीं मानेंगे, हम नहीं देंगे नेट पर, क्यों? क्योंकि हमसे हो नहीं रहा है, हमारे पास पैसे नहीं है, जो भी दिक्कत है इनसे हो नहीं रहा। ये आपने डायरेक्टर को दिखाया अपने कॉलेज? हमने दिखाया, उन्होंने कहा कि हाँ दिया जाना चाहिए, हम इसे लगा देंगे, आगे भेज देंगे। मैम ये तो हमारे पास 6 साल से है, 6 साल से देख रही है वो, हर साल उसे एप्लीकेशन में लगा के भेज रही है, हमारी 4 फाइलें पड़ी हैं यहाँ पर, एक फाइल पे तो काम करते हैं, बैठे हैं, वही कहना अपना केजरीवाल जी का करना, वही हम भी कह रहे करो ना, हमारा भी, हम भी परेशान है, वो भी परेशान है, क्यों नहीं करा जा रहा, हमें समझ नहीं आ रहा, जब सरकार कह रही है हमारे सबको दिया जा रहा है, इकलौते हम थोड़ी है, 3 हाथ थोड़ी दिख रहे हैं आपको मेरे। दिल्ली सरकार तो बहुत कुछ काम कर रही है लगातार, केजरीवाल जी कहते हैं, दिल्ली सरकार कहती है कि हमारी USP है स्वास्थ्य और शिक्षा। इंटर्न जो होता है ना वो स्वास्थ्य और शिक्षा का एक बीच का ट्रांजिशन फेज है, दोनों के हम एक ट्रांजिशन फेज है, हमारी हालत खराब है तो स्वास्थ्य शिक्षा पे तो मुझे विश्वास नहीं है। डिप्टी CM वगैरह से बात हुई आपकी? डिप्टी CM के पास हम ये 3री बार गए थे आज,
आज तीसरी बार भी हमें मिलने नहीं दिया गया। उनके ओएसडी सर ने कहा कि हाँ हम तुम्हारा लेटर वहाँ पर भेज देंगे, आप हमसे उधर मिल लेना। आज हम आए यहाँ पे मिलने, हमने कहा कि इधर आ जाके मिल लेते सेक्रेटरेट, आए हैं वो क्योंकि उन्होंने हमें बोल के आए वहाँ पे कि मैं सेक्रेटरेट जा रहा हूँ। हमने कहा कि अंदर हमारी बात पहुँचा दो, उन्होंने बोला अंदर से जवाब आता है कि वो तो है ही नहीं यहाँ पर, तो वहाँ से मैं झूठ बोल के निकल गए। उससे पहली बार का सिसोदिया जी नहीं, हमें तो ओएसडी सर ने कहा कि मैं आपका लेटर ले जा रहा हूँ और मैंने सर के उसमें डाल दिए कि सर के संज्ञान में डाल दिए कि हाँ इन बच्चों का ऐसे ऐसे मुद्दा है। मैम 18 जुलाई को आए थे, आज 29 है, आप देख लीजिए 11 दिन हो चुके, क्या इस पर भी इतने काम होगा? इतने दिनों में नहीं हुआ, 11 दिन में अगर कोई काम नहीं हो रहा, और एक बेसिक काम है आपको गजट की एक लाइन रखनी है और वो सब कुछ हो जाएगा। हमारी जो गवर्निंग काउंसिल है ना मैम, आपको मैं बताता हूँ, उसके चेयरमैन है हेल्थ मिनिस्टर, इस टाइम पे इंचार्ज हेल्थ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया सर है, तो उनके एक साइन से हमारा हो सकता है, तो क्यों नहीं कर रहे हैं हम, क्यों नहीं दिया जा रहा है कि कुछ अलग थोड़ी है हमारा। तब आखिरी कदम क्या क्या कुछ रहेगा आप लोगों का? मैम हमारा आखिरी कदम यही है कि हम यहाँ बैठे हैं, हम अपना हक लेने के लिए बैठे हैं, हम अपना हक लेके ही उठेंगे, चाहे मारपीट हो जाए, चाहे लाठी डंडा चल जाए। मैम हम तो नहीं करेंगे, अगर कोई करे तो कोई दिक्कत नहीं, हम सहलेंगे। यहाँ दिल्ली सचिवालय के आगे आपको तो बैठने ही नहीं दिया जाएगा ना? कोई नहीं मैम, हम बैठे हैं, यही बैठे रहेंगे, डट गए। बेड्स बढ़ाए गए थे या कोविड के लिए डॉक्टर्स को ड्यूटी पे लगाया गया था, तब बोला था कि सेक्रेटरीट के सामने नहीं बैठ सकते हो, तब तो जहां गली गुचे में जहां आपने 4 बेड लगा दिए थे वहां पे डॉक्टर्स ने जाके ड्यूटी दी थी कि नहीं दी थी? दी थी या नहीं दी थी? दी थी ना, तो वैसे ही अब बैठेंगे, हद से क्या करोगे, पुलिस बुलाओगे, उठवा दोगे, दोबारा आकर के बैठेंगे। अब किसी ने किसी को तो एक अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना मैम। अगर आप जिम्मेदारी ले ली जाती मैम, सरकार नहीं लेगी तो मुझे तो लेना पड़ेगा। देखो सीधी सी बात है, जनता जो है वो शीशा होती है, 5.5 साल बाद में दिखाती है, ठीक है? तो मैं तो अभी दिखा रहा हूँ आपको। आपने बोला, आपने क्या कहा, सरकार की यूएसपी है, ये रही यूएसपी? जो बंदे बैठे हैं कौन है? ये डॉक्टर है ना, इलाज करते हैं ना मैम, जब ये यहाँ पे बैठे तो इलाज हो रहा होगा वहाँ पे। और दूसरी बात, आपने कहा कि हमारा भविष्य और यहाँ सरकार और ये सारी बातें, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तो चीज़ें बहुत कम है, असली तो तमाशा है। आप आओ कॉलेज आकर के फिर दिखाते हैं आपको क्या यूएसपी है, क्या हेल्थ है, क्या शिक्षा है, क्या हॉस्पिटल का बहुत अच्छी बिल्डिंग है, कितने दीवारें गिर रही हैं, जो लड़के यहाँ बैठे हैं कैसे गंदे घटिया झुग्गी वाले हॉस्टल में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अगर हॉस्टल की हालत झुग्गी में रहने वाली हो गई है मैम, आपको क्या लगता है मैं गलत बोलूंगा? या तो देखो, जब मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ मैं आपको फोटोज दिखाऊँ मैं आपको मैम, डॉक्टर्स की हालत झुग्गी में रहने वाली नहीं है, कर दी गई है। मैं आपको ये भी थोड़ा सही कर दूं, और उसके भी दिखेगा ही नहीं, नहीं दिखेगा सर। अब ये कुछ तो देखो सर, ये सरकार वाली हालत हो गई क्या आपकी भी? सरकार को भी नहीं दिख रहा हमारा स्ट्राइक पिछले 15 दिनों से। तो ये कहा कि आप ये फुटेज दिखा रहे हैं ये जो है, ये आप कहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं? व्हाट्सएप कर देता हूँ। तस्वीर कहाँ की दिखा रहे हैं ये मैम? हॉस्टल की मैम, हॉस्टल की भी इससे गंदी है मैम, आपको वो भी दिखा सकता हूँ मैं, हॉस्पिटल की भी हालत। तो पेशेंट्स आते हैं वहाँ पर मैम? आप ये तो सरकार से पूछो ना, जो सरकार बोल रही है कि इलाज हो रहा है हमारे। मेरा देखो मैंने क्या कहा, अब आप वो राजनीतिक बातें मत करो कि बात थी ये और बात पहुंच गई कहाँ। बात है जो सामने लिखी हुई है कि मेरा स्टाइपेंड बाकी लोगों के बराबर होना चाहिए जो बाकी लोगों को मिल रहा है, पहली चीज। दूसरा, मैं उस डिमांड के फेवर में किसी को नहीं मानता, ना मैं स्टेट गवर्नमेंट को ना मानता, ना सेंट्रल गवर्नमेंट को मानता, ना अपने एडमिनिस्ट्रेशन को मानता, ना खुद को मानता। मैं मानता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेरे को बोलता है देयर शैल नॉट बी एनी डिस्क्रिपेंसी इन केस ऑफ स्टाइपेंड। भारत का राजपत्र कहता है, उसको यहाँ से ही गए हुए कुछ लोग साइन करके आते हैं, भारत के राष्ट्रपति उसको बोलते हैं कि लागू करो, नहीं करोगे तो कोर्ट उसको लागू करवाएगा। लेकिन सर उससे नीचे भी है ना मैम, कि जो जो कॉमन मैन है वो जाकर के अपनी बात रख सके, तो बात रखने वाला प्रोसेस में हम लोग अभी देखते हैं, सुनती है सरकार की नहीं सुनती है। और बहुत मैं मानता हूँ कि आपने अगर 100 स्ट्राइक अगर आपने रिपोर्ट करी होंगी ना, तो 100 में से वो एक ये होगी जो कि बिल्कुल शांत हैं लोग, किसी को किसी से लड़ना नहीं है, सिंपल सी एक डिमांड है, 1 स्टेट 1 स्टाइपेंड। जब किसी को 0 मिल रहा है तो मुझे भी 0 मिले, किसी को 2 रुपये मिल रहे हैं मेरे को भी 2 मिले, किसी को 26,300 दिए जा रहे हैं तो ये मेरा राइट है कि मुझे भी 26,300 ही मिलने चाहिए। दूसरी चीज़, सरकार बोलती है कि मेरा जो कॉलेज आता है वो आता है जी आपका ऑटोनोमस बॉडी के अंदर, तो दिल्ली सरकार के अंदर, दिल्ली सरकार का ऑटोनोमस बॉडी पहला चौधरी ब्रह्म प्रकाश, दूसरा मौलाना आज़ाद, सुना है आपने, मौलाना आज़ाद डेंटल कॉलेज। मौलाना आज़ाद डेंटल कॉलेज में 26,300 हो चुका है, चौधरी ब्रह्म प्रकाश जो दूसरा कॉलेज है उसका क्यों नहीं हो रहा? तो इसकी बात अब ये आप जाकर के सवाल उसका भी नहीं हुआ है।
मैम उसका हो चुका है। हाँ। मैं बात दोबारा दोहराता हूँ। हाँ। मौलाना आजाद डेंटल कॉलेज जो कि दिल्ली सरकार के अंदर आता है, उसका स्टाइपेंड बढ़ा करके 26,000 कर दिया गया है। हाँ। दूसरा अस्पताल जो दिल्ली सरकार के अंदर ऑटोनोमस बॉडी है चौधरी ब्रह्म प्रकाश, उसका क्यों नहीं किया जा रहा है? हाँ। मैं उसी का ही पूछ रही हूँ। ये मैं कैसे जवाब दूंगा, ये बात तो जाकर के उनसे पूछनी। उधर उसका भी नहीं हुआ, इधर आपका भी नहीं हुआ। मैम मुझे लग रहा है आप किसी उसमें हो, आप मतलब प्रिजम्पशन में हो। मैं प्रिजम्पशन में नहीं हूँ, मैं जानना चाह रही हूँ। मैम आप नहीं, मैं जानना चाह रही हूँ कि आपका भी नहीं हुआ है, ठीक है? आपका नजफगढ़ वाला है हॉस्पिटल, ठीक है, उधर नहीं हुआ है और उधर भी नहीं हुआ है, तो हुआ तो दोनों का ही नहीं है ना, मगर वहाँ के लोग नहीं दिख रहे हैं। नहीं, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप किसी प्रिजम्पशन में मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो, सॉरी मुझे बोलना पड़ रहा है, मीडिया को नहीं बोलना चाहिए, मीडिया को बुरा लग जाता है, लेकिन लगे, मैं दोबारा बुरा नहीं लग मैम लगे, मैं दोबारा दोहराता हूँ कि दिल्ली सरकार के दो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट हैं, पहला चौधरी ब्रह्म प्रकाश, दूसरा मौलाना आजाद डेंटल कॉलेज। मौलाना आजाद डेंटल कॉलेज का बढ़ा दिया गया है। हाँ। चौधरी ब्रह्म प्रकाश का नहीं बढ़ाया गया है। सर बात बहुत क्लियर है कि एक हाँ। का बढ़ा दिया गया, एक का नहीं बढ़ाया गया। हाँ। तो क्यों नहीं बढ़ाया गया, क्यों नहीं बढ़ाया गया मैम? वही उसी चीज के लिए मैं वही तो पूछ रही हूँ ना, आपके हॉस्पिटल का नाम क्या है? आपके हॉस्पिटल का नाम क्या? मैम 6 बार बता चुके हैं, अब तो आपको याद होना चाहिए। बताइए तो। चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान। तो एक यही हॉस्पिटल बचा हुआ है मतलब पूरी दिल्ली में? जी मैम। आपने पूरा सर्च किया है? मैम एक रिसर्च का काम किसका होता है? मैम रिसर्च का काम किसका होता है? सरकार के पास टाइम नहीं है रिसर्च आपके पास, मैं मीडिया के पास मैम टाइम है? देखिए मैं अभी आप लोग रोड पे आए तो मैं आ गई, आप लोग तो दिख ही नहीं रहे। मैम नहीं दिख रहा, मैम मीडिया देखना नहीं चाह रही थी। मीडिया देखना नहीं चाह रही थी मैम, मीडिया देख रही थी तो मुद्दा ही कहीं पे भी नहीं। मैम मीडिया देख रही थी रणबीर कपूर ने कपड़े पहने हैं कि नहीं पहने। मैम नहीं देख रहे थे, आपकी गलती है। मीडिया नेशनल मीडिया नहीं मैम, अरे कोई सी भी सही, मैं बोल रहा मीडिया देख रही थी शराब के ठेकों पे शराब अच्छी मिल रही है या बुरी मिल रही है, 50 की मिल रही है, 55 की मिल रही है, पौवा मिल रहा है, क्वार्टर मिल रहा है। हाँ। किसी को फर्क नहीं था कि पिछले 15 दिन से डॉक्टर्स बैठे थे वहां पे स्ट्राइक पे। हाँ। आप गए नहीं गए? अगर आपको खबर नहीं है तो आप अपना थोड़ा एक्सप्लोर करो अपने आपको कि ट्विटर पे पिछले 15 दिनों से हैशटैग चल रहा है वन स्टेट वन स्टाइपेंड। 70 डॉक्टर नहीं कर सकते, 70 डॉक्टर नहीं कर सकते। दूसरी चीज, अगर आप डॉक्टर से उम्मीद करते हो वो जाकर के पहले एक लिस्ट बनाए, फिर सभी से जाकर के पूछे, उसके बाद में एक नोटिस डाले, उसके बाद मैम क्या क्या कर लें, LLB भी मैं ही कर लूं, उसके बाद में आपका जर्नलिज्म भी मैं ही कर लूं, आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? मतलब आप लोग तो दिख ही नहीं रहे ना रोड पे, तो आप सचिवालय के आगे आप मैम ये रहे आप दिख रहे हैं, ये रहे मैम। को मसाला चाहिए तो मसाला, मैं मसाला नहीं दूंगा मैम, मसाला चाहिए आपको, मसाला नेशनल मीडिया मसाला करती है। आप नेशनल मीडिया नहीं हो ना, आपने तो कहा नेशनल मीडिया तो आप लोगों को दिखाता है ना, तो आप क्यों नहीं आया वहाँ पे नजफगढ़ में? मैम मैंने कहा नेशनल मीडिया तो दिखा रहा था कि रणबीर कपूर ने कहा दिखा है, आपकी मैं बात कर रही हूं। अच्छा सुनिए आप नेशनल मीडिया की बात करिए। हाँ। ABBP ने ट्वीट किया, आपने देखा? आप फॉलो करते हैं नेशनल मीडिया को? बिल्कुल देखा आपने ABBP ट्वीट? आपके लिए हमारे लिए ट्वीट किया, ट्वीट किया तो आपके लिए वहाँ पर खबर करने आया क्या? बिल्कुल आया, आप आए, जो लोग आए तो आप लोग कह रहे हैं कि वहाँ मुझे आपने वो देखा ट्वीट, आपने वो ट्वीट ट्वीट किया, आप ट्वीट से खुश हो जा रहे हैं तो ठीक है, फिर आप बैठिए। मैम एक मिनट मैम, मुझे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, मैंने आपको बोला आप एक प्रिजम्पशन में आए थे, आपको वो नहीं मिला। अच्छा, मुझे नहीं मिला तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप एक प्रिजम्पशन में आए थे, आपको नहीं मिला जो आपको चाहिए था। मुझे नहीं मिला है, मुझे मसाला नहीं चाहिए, मैं आप लोगों की खबर दिखा रही हूँ, वरना मेरे को कोई जरूरत नहीं थी। मैं उम्मीद करूंगा कि अब खबर दिखाई जाए, अब मुझे उम्मीद है कि आप खबर दिखाओगे। अगर आप नहीं, ABP का आप एक ट्वीट बता रहे हैं, वो आप लोगों को दिखाने आया क्या? जागरण मैम, दैनिक जागरण पिछले एक हफ्ते से स्टोरी कर रहा है, आपको डेली अखबार की कटिंग दिखाऊं मैं? तो क्यों नहीं आप लोगों का मुद्दा इतना होया है, क्यों नहीं CM साहब यहाँ पर आपको पूछने आए? मैम प्रिजम्पशन में चल रहे हो आप, प्रिजम्पशन में चल रहे हो आप। मैं पूछ रही हूँ मगर आप लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है? नहीं, मेरे को मसाला नहीं चाहिए, आप ठीक है? चलिए, अभी आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर डॉक्टर्स जो है लगातार यहाँ पर CM केजरीवाल जो सचिवालय है उसके आगे यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये इनका कहना है कि पिछले 16 दिनों से ये लोग बैठे हुए हैं और बहुत महीनों से भी बैठे हुए हैं। लगातार जितने दिल्ली के हॉस्पिटल्स हैं उनमें 26,000 कुछ करके इनको मिल रहा है, लेकिन जो इंटर्न है, ये डॉक्टर्स इंटर्न है, इनका जो नजफगढ़ में ये हॉस्पिटल है उसकी जो हालात है वो जर्जर है। हॉस्टल्स मौजूद नहीं है लेकिन सुविधा के नाम पर ज़ीरो है, और इनकी फीस जो है वो बढ़ा दी जा रही है, लेकिन इनकी एक मीटिंग इस पर नहीं होती है कि इनकी इंटर्न्स के जो
इनकी होनी चाहिए, सैलरीज होनी चाहिए, जो इनको मिलना चाहिए वो इन लोगों को नहीं मिल रहा है। उसी के लिए लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं। डिप्टी सीएम से भी बात करने की इन्होंने कोशिश की, लेकिन वहाँ से कुछ इनको कुछ इस तरीके की बातें नहीं मिल पाई हैं कि उन्होंने आश्वासन ही दिया है। और अभी भी, और जो सीएम साहब हैं वो तो वैसे ही काम में व्यस्त रहते हैं, तो अभी जो है उनके पीओ वगैरह उन लोगों ने ही इनसे पत्र वगैरह लिया है। बाकी आप देख सकते हैं किस तरीके से डॉक्टर, शिक्षा और डॉक्टर की स्थिति हो चुकी है। शिक्षा जिस तरीके से ख़त्म की जा रही है, वहीं अब डॉक्टर्स का हाल देखिए किस तरीके से रोडों पर ये डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। मगर आप सोचिए, ये इतने टाइम से नजफगढ़ के हॉस्टल्स के सामने और उस अस्पताल के सामने बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी नेशनल मीडिया जाकर के वहाँ कवर अप नहीं करता है, दिखाता नहीं है। लेकिन ये आज यहाँ पर दिल्ली सचिवालय के आगे आकर बैठते हैं तो यहाँ पर कुछ मीडिया वाले आकर इनसे बात करते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि हम लोग मसाला लेने आए, लेकिन इनकी ही हम लोग जनहित की बात कर रहे हैं। इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा।